जैसे हम सांस लेंगे, सांस लिया, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन को जो है भेज दिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाएगा। अब वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, खून के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, फेफड़ा मिलाने का काम करेगा। और ये हमारे किस साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड से जो है फुसफुस शिरा के माध्यम से, ठीक है, हमारे हृदय के लेफ्ट भाग से गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है बाइकप्सिड वाल, मतलब जब पंप होगा तो खून वापस नहीं जा सकता है, मतलब ये इस तरीके से बंद होगा, खून उल्टा नहीं आ सकता, एक तरफ से तो जाएगा लेकिन उल्टा नहीं आएगा। तो यहाँ से इसको पंपिंग करना है, पंपिंग करने के बाद महाधमनी, फिर धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, फिर केशिका, केशिका के बाद छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद शिरा, फिर महाशिरा, और महाशिरा से जो है ये राइट साइड में गिरेगा। यहाँ पर इसको फिर से जो है करंट मिलेगा और ये फेफड़े के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है काम चलता रहता है। अब दिल सोचने का काम नहीं करता है, अब सोचने का तो उसके पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारे पास है, हमारा हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, और हमारा हृदय जो है एक बार में 70 ml रक्त को पंप करता है। और एक मिनट में कुल कितना पंप करेगा, 70 की गुणा हम 72 में करेंगे तो 5040 ml के आसपास, जो यानी कि लगभग 5 लीटर खून को एक मिनट में ही जो है दिल के द्वारा इधर से उधर कर दिया जाता है, ठीक है।